बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के सब बहन भाई ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि आज मेरे बच्चों ने ज़िद की है। बच्चों की ज़िद के आगे इंसान माँ बाप हार जाता है। बिल्कुल किसी की हार नहीं मानता, लेकिन जब बच्चों की बारी आए तो इंसान खुद खुद माँ बाप हार मान जाता है। तो आज एक बेटा मेरा जय है, मेरा बेटा और कबीर बेटा और अमेमा बेटी का खेल भी रहे हैं साथ साथ, तो शोर भी कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा मामा आज जो हम कहेंगे वही, तो इन बच्चों की फरमाइश पूरी करनी करूँगी, साथ साथ घर का काम भी जो हुआ वो भी करती हूँ। तो आज इस बेटे ने मुँह देखो बनाया हुआ बिल्कुल मासूम सा, तो मम्मा मेरी बात मानो। तो अब यही काम शुरू करती हूँ जो मेरा समीर बेटा और कबीर बेटा और अमेमा बेटिया कह रहे हैं, क्योंकि और तो घर में कोई आए नहीं, जो ही तीनों हैं तो इनकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो अब चलते हैं काम की तरफ। तो इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है सब बहन भाइयों से कि जिन्होंने मेरे चैनल तहर आपी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर देना। इसी के साथ मैं आगे जो काम शुरू करना है वो करती हूँ। तो अब ये चीज़ें मैंने ली हैं, ये लिए हैं चावल, ये चने और ये लहसुन छील के रखा हुआ है और ये है प्याज और ये है टमाटर मिर्चें। ये सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है। तो अब ये कुकर भी ले लिया है और ये देसी भी और पानी भी, ये सारा सामान मेरे पास तैयार हो गया है। तो अब मैं पकाना शुरू करती हूँ। तो अब ये सारा सामान मेरा तैयार है तो मैं पकाना शुरू करती हूँ। ये कुकर रखती हूँ चूल्हे के ऊपर पहले, अब पहले डालती हूँ ये प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन की कलियाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन एक प्याज अभी काटा ही नहीं है मैंने, और साथ में ये टमाटर मिर्च और इसके साथ ये सफेद चने बॉईल, अब ये भी इसमें डालती हूँ। तो एक प्याज रहता है ये भी काट लेती हूँ। प्याज मैंने काट दिया, इसमें पानी, चने नरम हो जाए। ये जितना मुझे पानी की जरूरत है उतना मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी और डाल दूं, कम लग रहा है पानी। कुकर बंद कर देती हूँ। अब चूल्हा करती हूँ ऑन, सिलेंडर बंद कर दिया था, अब मैंने आ दिया। अब चूल्हा ऑन करती हूँ, ये चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब तकरीबन 10-15 मिनट इस तरह रखूंगी, फिर चने चेक करूंगी। ये कुकर में टाइम तकरीबन 15 मिनट होता है, चने नरम हो जाते हैं। तो अब ये जो चावल हैं ये मैंने साफ करके रखे हुए थे, अब इस बॉल, ये बॉल बड़ा है,
इसमें डाल के ये पहले पानी में भिगोती हूँ और जो इधर बाल्टी में पानी है वो देती मैं रख के गर्म करना शुरू कर देती हूँ। ये वाला चूल्हा भी ऑन कर देती हूँ, उतनी देर मैं चावल भिगो लूंगी। ये चने भी पकने शुरू हो गए हैं तो अब ये पानी उबलना शुरू हो गया है, इसमें मैं डालती हूँ ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चावल मैंने डाल दिए हैं, अब इसको तो भी गर्म करती हूँ। ऊपर से गर्म कर देती हूँ चावल में और मैं डालती हूँ ये है दालचीनी और ये तेज पत्ता और इसके साथ ये थोड़ा सा एक चम्मच नमक की, ये नमक भी मैंने डाल दिया और इसके साथ थोड़ा सा डाल मसाला एक चम्मच डाल दिया की और आपके ऊपर मलकर ये डालूंगी साबुत धनिया डाल के अब आँच हल्की कर लेती हूँ। और एक ये भाई जो बार बार ये देखने वाले आ जाते हैं उनका छोड़ भी उसमें आता है। ये चावल मेरे गर्म हो गए, अब मैं इनसे पानी निकालती हूँ। चूल्हा कर देती हूँ बंद। ये चावल उबाल के मैंने इस छानने में रख लिए हैं, ये वाले इस तरह माशाल्लाह बड़े खिले खिले चावल बने हैं। तो अब ये देसी घी है, इसमें मैं डालती हूँ घी। डालती हूँ थोड़ा सा ऊपर और डाल लेती हूँ, घी का चम्मच मैंने डाल दिया और इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा सफेद जीरा। ये भी डाल दिया, घी को भी गर्म कर लूँगी। चावल मैंने डाल दिया, अब चावलों को करती हूँ मैं मिक्स। और दे लिया मैंने पौना, इसे थोड़ी देर रखती हूँ दम पर, पानी कर देती हूँ हल्की। और अब मैं करती हूँ चने चेक, ये
माशाल्लाह बड़े प्यारे नरम हो गए हैं। अब मैं डालती हूँ इनको थोड़ी देर आग जलाती हूँ पानी है इनमें। नहीं सब नहीं पके नहीं अभी नहीं चावल पकी मैमा या मैं इनमें डालती हूँ मसाले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये डाला है मैंने नमक हाथों की मदद से इस तरह पीस लूंगी। अब जो मसाले मैंने डाल दिए हैं अब इनको कर देती हूँ मिक्स। वैसे छोड़ती हूँ अब पानी खुश होने तक इन मसालों को पकाऊंगी। अब मैं कर लेती हूँ चावल जग। ये चावल मेरे तैयार हो गए हैं। अब ये चूल्हा बंद कर देती हूँ। अभी ये चने ये तैयार नहीं हुए चना मसाला। ये चनों में अभी पानी है जो कुछ होने तक मैं करती हूँ और काम स्टार्ट। उतनी देर वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये चारपाइयाँ लेके जानी है छत के ऊपर। अब उतनी देर मैं ये चारपाइयाँ सारी लेके जाती हूँ जितनी हिल जानी है छत के ऊपर। और मैं चारपाइयाँ लेके जाती हूँ छत के ऊपर। ये बच्चे भी साथ ही हैं मेरे जी। ये चारपाइयाँ मैंने छत के ऊपर ले आई हूँ। अब देख दी हूँ नीचे जाके सालन। ये चनों में पानी खुश हो गया। अब इसमें मैं डालती हूँ घी। घी मैंने डाल लिया। अब इसको कर लेती हूँ मिक्स। अब अच्छी तरह घी में भून लूंगी चनों को। अब साथ में डालती हूँ ये है दाल मसाला। ये चनों में अच्छा लगेगा टेस्ट अच्छा आएगा इसलिए ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालूंगी थोड़ा सा ही। थोड़ा सा डालती हूँ जीरा मसाला।
अभी इसको भी मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह भून लूंगी इनको। ये अच्छी तरह मैंने भून लिया। अभी मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी। जो पानी मैंने डाल दिया तो थोड़ी देर पानी रख ले, पक लेगा तो फिर ये नीचे उतारेंगे। ये सालन भी पक रहा है, तैयार होता है उतनी देर मैं चावल ऊपर लेके जाती हूँ तो फिर मिल बैठ के हम खाएंगे। ये छत के ऊपर हम बैठे हैं, बच्चे वगैरह पहले छोड़ गई थी, अब सामान चावल भी ले आई हूँ और चना मसाला भी, अब देती हूँ बच्चों को भी और खुद भी खाती हूँ। कि छत के ऊपर आते होते सांस इतना फूल गया, बात भी नहीं हो रही। चना मसाला मेरा बड़ा प्यारा तैयार हुआ है और काफी भी आ रही है। समीर बेटे को मैंने कौन नहीं पाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।